संसद से सड़क तक इन दिनों देश भर में एक ही चर्चा सबसे ज्यादा है और वो है प्याज की कीमतें। प्याज के दाम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हरिद्वार में भी प्याज 100 रुपए से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालात ये हैं कि इस वक्त सेब समेत अन्य फलों की कीमतें प्याज से बेहद कम है। महंगाई के दौर में प्याज की कीमतों ने आम आदमी को रुला दिया है। प्याज की आसमान छूती कीमतों से महिलाएं काफी परेशान है। महिलाओं की प्याज ने इनकी रसोई के बजट के साथ इनका स्वाद भी बिगाड़ दिया है। पहले 2-2.5 किलो प्याज एक बार में खरीदते थे, अब तो 0.5 किलो और 250 ग्राम ही खरीद पा रहे हैं। पहले खाने में करीब 4 प्याज का इस्तेमाल करते थे, मगर अब 1 से आधी प्याज से ही काम चलाना पड़ रहा है। इनकी ये भी शिकायत है, जो प्याज इस वक्त बाजार में मिल रहा है उसकी क्वालिटी बेहद खराब। आम लोगों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी प्याज के दामों के कारण परेशान हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों से उनके मुनाफे पर और बिक्री पर भी बेहद असर पड़ रहा है। छोटे दुकानदार पहले 2 से 4 कट्टे प्याज रोज बेच देते थे, मगर अब महंगी होने की वजह से 5 से 10 किलो प्याज ही मंडी से लेकर आ रहे हैं और वो भी मुश्किल से दिन भर में बिक पा रही है। स्थानीय सब्जी विक्रेता रिजवान का कहना है, कि अच्छी प्याज मंडी में 100 रुपए किलो मिल रही है, ऊपर से भाड़ा और मजदूरी भी महंगी है। उनका कहना है कि बाजार में इस वक्त जो प्याज आ रहा है वो बहुत छोटी और घटिया किस्म की है। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह मंडियों में प्याज की आवक बेहद कम होना भी है। हरिद्वार मंडी समिति के सचिव का कहना है कि इन दिनों मंडी में सिर्फ 40 से 50 क्विंटल प्याज की आवक रोजाना है, जबकि आम दिनों में 800 से 1000 क्विंटल प्याज रोज मंडी में आता था। उन्होंने बताया कि इसकी वजह महाराष्ट्र में प्याज की आवक ना के बराबर हो रही है और जो प्याज इन दिनों आ रहा है वो ज्यादातर राजस्थान का प्याज आ रहा है और उसकी क्वालिटी बेहद खराब है और मंडी में ही 80 से 85 रुपए किलो बिक रहा है। इनका कहना है कि वो मंडी के थोक विक्रेताओं पर तो महंगी प्याज बेचने पर रोक लगा सकते हैं, मगर फुटकर विक्रेताओं पर रोक लगा पाना मुश्किल होता है। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए महाराष्ट्र में पिछले दिनों आई भयंकर बारिश को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। देश भर में ज्यादातर प्याज की सप्लाई महाराष्ट्र से ही होती है और वहां फसल खराब होने की वजह से मंडियों में आमद ना के बराबर हो गई है। माना जा रहा है कि प्याज के दामों में अभी करीब 10 से 15 दिनों तक कमी आने की संभावना भी नहीं है, तो अभी कुछ और दिन लोगों की थाली का स्वाद कम होगा। प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को जूझना पड़ेगा।